हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने दो पाइल्स बना रखी हैं एंड फोर यहाँ पे सब पाइल्स हैं। तो आपको सबसे पहले ये सुनना है कि आपको पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है, और थंबनेल में आपने चेक ही कर लिया होगा वैसे कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं, कि आपका ये जो अप्रैल मंथ है ये आपके लिए क्या क्या लेकर आया है, इस मंथ में क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है, कैरियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, और किस तरह की ब्लेसिंग्स ये अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए लेकर आया है। लेकिन आज मैं ये रीडिंग पाइल वाइज करने जा रही हूँ। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक आता है तो आपको पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करना है। अगर आपका नाम का अक्षर जो है पहला वो N O P Q R S T U V W X Y Z इसके बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। और देखने जा रहे हैं कि इन सभी एरिया और फील्ड में ये अप्रैल मंथ आपके लिए क्या क्या लेकर आया है, क्या क्या घटित हो सकता है आपके साथ। तो चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये सेक्शंस निकालती रहूँगी। पाइल नंबर 2 को साइड में रख देते हैं एंड पाइल नंबर 1 हम यहाँ पे रखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कैरियर को लेकर ये आपका अप्रैल मंथ क्या लेकर आया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए पाइल नंबर 1 के लिए, बताइए यूनिवर्स कैरियर को लेकर ये अप्रैल मंथ क्या लेकर आया है। यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए द हर्मिट, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की। देखिए राशियाँ यहाँ पर अभी नहीं बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम के हिसाब से, नाम के इनिशियल के हिसाब से आपकी रीडिंग हो रही है, तो इसीलिए राशियाँ यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। नंबर्स आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन से डेट को आपके यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल, 9th, 5, 11 एंड 7। इन डेट में आपकी लाइफ में किसी तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि कैरियर को लेकर ये अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है पाइल नंबर 1। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस मंथ में चांसेस हैं कि आपको ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को फेस करना पड़े, या आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके कैरियर को लेकर जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है आपके लिए, आपको टफ लग सकती है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मैंने सही ऑप्शन सेलेक्ट करा या नहीं, क्या मैं सही फील्ड में हूँ, क्या मैंने सही जॉब पकड़ी है या नहीं, या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ या नहीं। तो उस तरह से आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स अपने कैरियर को लेकर हो सकते हैं जिस भी जगह पे आप वर्क कर रहे हो, और उसके पीछे की वजह बेसिकली इतनी है क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन मिल सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस मिल सकते हैं। थोड़ा सा आप ना अपने कैरियर को लेकर अपने आप में ज़्यादा रहना पसंद करोगे, यानी कि ज़्यादा किसी को अपने बारे में बताना कि कैसा कैरियर है, कैसा नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखोगे। जैसे एक मुझे ऐसा दिख भी रहा है, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, आपको ना कहीं बहुत ज़्यादा हवा बनाने की आदत नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपको बोलने की आदत नहीं है, या ये कह सकते हो कि अप्रैल मंथ में तो आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा कुछ बातचीत करने वाले ही नहीं हो। आपके मन में किसी पॉइंट पर एक अफसोस भी मुझे दिख रहा है कैरियर को लेकर, जैसे कि पास्ट में आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करा और उससे आपके पास दो ऑप्शंस थे, उनमें से आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करा और इस चीज़ में आपको इतने चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके मन में बैक ऑफ द माइंड रिग्रेट चल सकता है कि यार वही मैं ले लेती या ले लेता तो शायद मेरा अच्छा और अच्छा स्कोप रहता और अच्छे से मैं करती या करता। तो चाहे वो देखो बिजनेस को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, जॉब को
लेकर हो, स्टडी को लेकर हो, कुछ भी किसी भी चीज़ में, मतलब आपके फाइनेंशियली लेवल पर, तो आप थोड़ा सा अफसोस में भी रह सकते हो कि भाई इतना यहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इससे तो अच्छा उसी को मुझे सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। तो जिस भी चीज़ में आप हो ना, उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आप इस अप्रैल मंथ में कंफ्यूज रहोगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हालांकि अप्रैल मंथ के अंत तक आते आते ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप जिस जगह पे हो वो सही है, वहाँ पे आपने उसे सेलेक्ट करके आपने सही करा। हाँ, लेकिन 3 हफ्ते थोड़े से आपके उतार चढ़ाव के मुझे दिख रहे हैं। लास्ट में जब आपको न्याय मिलेगा, लास्ट में जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन 3 वीक्स आपके थोड़े से खींचा तानी वाले रह सकते हैं, इसके यहाँ पर मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं पाइल नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या और कैसा रहने वाला है ये अप्रैल मंथ आपका। ठीक है, दूसरे डेक से देखूंगी अब मैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1 वर्ल्ड, गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 1 इस अप्रैल मंथ में क्या क्या होने के चांसेस हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द टावर, बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पाइल नंबर 1, नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो पास्ट में किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। एंड यहाँ पर 3rd of April को भी कुछ मेजर आपकी लाइफ में हो सकता है, 3rd 21 इस तरह से आपको लेना है, या फिर आपका हो गया 12th of April को कुछ मेजर हो सकता है। देखो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपकी लव लाइफ में ना काफ़ी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, टावर मोमेंट भी आ चुका है, ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी कि किसी तरह का ऐसा सच सामने आया है जो एक्चुअली में सच नहीं है, वो किसी तरह की गलत फहमी है, और उस गलत फहमी के चलते यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं, डिस्टेंस आ गई है, और बहुत कुछ मतलब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। हो सकता है ये जो सच सामने आया है ये 4 लोगों की बनी बनाई बातों की वजह से आया हो, 4 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आया हो, लेकिन यहाँ पर हाँ एक ऐसा झूठा सच आया है जो एक्चुअली में सब कुछ बर्बाद करके आपकी ज़िंदगी से चला गया है। या ये भी चांसेस हैं कि आपके पर्सन की साइड से किसी तरह का ऐसा सच आया है जिससे ब्लॉकेजेस आए, रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखर गई हैं। लेकिन देखिए पाइल नंबर 1 मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ये जो भी आपके साथ हुआ है बीते दिनों में, ये आपकी एक साइकिल थी, ये आपकी एक ऐसी कार्मिक साइकिल थी जो इस तरह से आपकी लव लाइफ पर आई। जैसे कि ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में आनी भी थी, इसका कंप्लीट होना भी ज़रूरी था, और इसकी इसका जो कम्प्लीटेशंस है वो अप्रैल मंथ तक हो रहा है, इसके चांसेस दिख रहे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, देखिए पाइल नंबर 1 की आपके उसी पर्सन की यहाँ पर वापसी इस अप्रैल मंथ में हो सकती है, जो अभी आज की तारीख में आपके एक्स बन गए हैं, आपके पास्ट के पर्सन बन गए हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चा है, जो भी हालात आपके हैं, आप जिन्हें बहुत लंबे समय से इवन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनका खुद से चलकर आपकी तरफ एक ऑफ़र आए, एक हेल्दी शुरुआत आपकी इनके साथ हो, तो उनकी आपकी लाइफ में वापसी के यहाँ पर चांसेस इस अप्रैल मंथ में दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के केस में तो यहाँ पर चांसेस मुझे देखो 21 अप्रैल तक आने के यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लगाइए 24 अप्रैल तक के भी आने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे ये चांसेस पाइल नंबर 1 के लिए दिख रहे हैं कि अप्रैल मंथ के एंड में ही आपका जितना कैरियर में एकदम से आपको न्याय मिलेगा, उतनी ही आपकी कार्मिक साइकिल लव लाइफ को लेकर भी कंप्लीट होगी,
और जो भी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, आपने ब्लॉक कर रखा है, तो आप खुद ब खुद देखो आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि मुझे ब्लॉक से अनब्लॉक कर देना है, या आपके पार्टनर का माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि यार अब ब्लॉकेजेस हटा देने चाहिए, अब बात कर लेनी चाहिए। जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर प्यार, इमोशंस, अट्रैक्शन था, और जिसे आपने इन गलत फहमियों के चलते, इस टावर मोमेंट के चलते आपने अपने सीने में दफन कर लिया था ना, वो अपने आप से बाहर आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ को काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वही मैनिफेस्टेशन आप में से काफ़ी लोगों का इस अप्रैल मंथ में मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए 2 2 एसेस की एनर्जीज यहाँ दिख रही है, और इवन ये भी मैजिशियन यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 नंबर को बताता है। तो 1 मंथ यानी कि अप्रैल के एंड तक आते आते सभी चीज़ें यहाँ पर एक सही दिशा में आपको लेकर जाएंगी, स्पेशली लव लाइफ को लेकर। जो पॉजिटिवनेस थी ना, वो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर थी, और आपने उसे दफन कर लिया था, उसे मार दिया था, वही अपने आप से पॉजिटिवनेस यहाँ पर जागरूक होगी। लेकिन ये जो पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिव वे में होगी, अब नेगेटिव वे में नहीं होगी। अट्रैक्शन जो है वो एक दूसरे को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगा, और इवन दोनों को समझ में आएगा कि हाँ, इसका मेरी ज़िंदगी में होना, मेरा इसकी ज़िंदगी में होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोनों यहाँ पर ना समझ पाएंगे एक दूसरे की वैल्यू अपनी अपनी लाइफ में, और इवन उसकी भी लाइफ में, मतलब एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे इस अप्रैल मंथ यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर होते हुए आते हुए दिख रही है। और आपको यकीन मानना होगा, ये एक मिरेकल ही होगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, बस एक मिरेकल होगा यूनिवर्स की तरफ से, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जैसे कि कोई जादू ही हो रहा है, जो शायद आपने किताबों में पढ़ा या बच्चों की स्टोरीज़ में पढ़ा, आपके लिए कुछ ऐसा ही ये सीन होगा, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप और आपके पार्टनर, इसके अलावा कोई और एनर्जी है ही नहीं, मतलब आपको कोई और नहीं मिलाएगा, ना दोस्त ना यार, बस मिलाएगी तो वो यूनिवर्स, वो डिवाइन, या ये जो आपकी कार्मिक साइकिल पूरी हो रही है, वो आपको यहाँ पर मिला कर जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 1, अब देखते हैं आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है इस अप्रैल मंथ में। अगर आप हेल्थ को लेकर काफ़ी लंबे समय से डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो देख लेते हैं कैसा जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, फॉर पाइल नंबर 1 हेल्थ के बारे में बताइए कैसा जाएगा। हेल्थ के लिए मैं सिर्फ 3 कार्ड्स ही निकालूंगी। पहला है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स इंट्यूशंस में, यानी कि हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, एंड बॉटम की एनर्जी है डेवल। देखो, हेल्थ वाइज मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स होंगे, एज एन आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है इस अप्रैल मंथ में, क्योंकि स्टार्टिंग का वीक आपका थोड़ा सा मुझे टाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है, कंफ्यूज्ड नज़र आ रहा है, जिसके चलते उसका असर ना आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। लेकिन एंड द रिज़ल्ट यहाँ पे द वर्ल्ड आ रहा है, जो आपकी साइकिल को कंप्लीट करेगा, पाइल नंबर 1, जिसके चलते ये गुस्सा, ये एग्रेशन, ये मूड स्विंग्स अपने आप से ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरुआती हफ्तों में कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, इंट्यूशंस की सुन नहीं पाओगे, फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े मन मुटाव हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 देखो ऐसा दिख रहा है, पहले वीक में शुरू के जो 3 हफ्ते हैं ना, उसमें तो आपको ये लगेगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एंड द रिज़ल्ट आपको ये लगेगा, अरे यार ये तो मिरेकल हो गया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ रहेगा, तो आपका हेल्थ सही रहेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर ना आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहोगे, परेशान रहोगे, वो फ्रस्ट्रेशन, वो परेशानी आप दूसरों पर ही उतारते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं इस अप्रैल मंथ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1 इन अप्रैल मंथ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। भाई देखो, कार्ड्स भी ना ऐसे आते हैं जैसे कि सब पहले से डिसाइडेड होता है यूनिवर्स की तरफ से, तो जो सिचुएशन चल रही है अल्टीमेटली आपकी अप्रैल मंथ में इम्प्रूव होगी, बस आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अपने आप को तैयार करना है बजाय डरने के। अगर डर 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 कर चीज़ों को करोगे तो हो सकता है वो डर आपकी ज़िंदगी पे असर डाले। तो एज एन मतलब ये है कि देखो, जीत उसी की होनी है जो इस डर से जीत जाए। अगर इस डर से नहीं जीत पाओगे तो वही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर लोगे, तो ऐसा बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ में आपके ग्रह नक्षत्र किस तरह से रहेंगे। तीन कार्ड्स ही निकालूंगी मैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूरनस, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पाइल नंबर वन जो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ। पास्ट जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो मैंने बताया, यानी कि आपका पास्ट लाइफ पर्सन आपकी तरफ इस अप्रैल मंथ में बढ़ रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा ना पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई जो बातें थी, जो टॉक्सिसिटी थी, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके सामने आए। ठीक है, मैसेजेस इस मंथ में आपकी तरफ, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन गुड थिंग इज़ कि वो एंड द रिजल्ट आपके फेवर में ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए पाइल नंबर वन के लिए ही देखते हैं कि इस मंथ में आपके साथ कौन सी ईश्वरीय शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। गणपति बप्पा मोरिया, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियां हैं उनके विघ्नहर्ता आपके साथ इस पूरे महीने हैं, वो पूरे महीने आपका साथ देने वाले हैं। उनको ज़रूर से याद करिएगा, दुबड़ा घास जो होती है वो उन्हें ज़रूर से आप चढ़ाइएगा, उन्हें अर्पण कीजिएगा, उनके सामने लड्डू का, मोदक का आप प्रसाद भोग ज़रूर से चढ़ाइएगा। आपकी ज़िंदगी में पीस, प्रॉस्पेरिटी, आपको मेंटली और फिज़िकली लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सक्सेस देने के लिए, सारी परेशानियों को हरने के लिए गणपति जी आपकी तरफ इस मंथ में आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर वन, उन्हें ज़रूर से आपको याद करना है। घर से निकलने से पहले एक बार आपको गणपति जी के आगे हाथ ज़रूर से जोड़ना है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा अगर आप हो सके तो आरती भी गा दीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिया जला दीजिएगा, आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है तो, बस छोटी छोटी सी चीज़ें ही करनी होती हैं। दुबड़ा घास अगर हो सके तो ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन कि अप्रैल मंथ आपका कैसे रहने वाला है इन सभी चीज़ों को लेकर। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर पसंद आती है, क्लैरिटी मिलती है तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, तो जिस किसी के भी नाम का पहला अक्षर NOPQRSTUVWXYZ से शुरू होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये अप्रैल मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैरियर से लेकर। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर टू, बताइए ये अप्रैल मंथ क्या क्या लेकर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर टू यूनिवर्स गाइड कीजिए, फॉर पाइल नंबर टू क्या लेकर आ रहा है कैरियर को लेकर। तो सबसे पहले है आपका किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द लव। ठीक है, टू ऑफ कप्स। सबसे पहले आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी कि ये तारीख, इन तारीख में आपके साथ कुछ मेजर हो सकता है, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड, लेकिन इन तारीख को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि 2nd of April, 11th of April, 7th of April, 12th of April एंड आपका 14th of April। तो इन तारीख को आपको याद करना है। कुछ अप्स एंड डाउन्स इन तारीख में आपके साथ इन कैरियर लाइफ में हो सकता है। मुझे चांसेस दिख रहे हैं पाइल नंबर टू की इस अप्रैल मंथ में ना आप किसी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, या आप अगर पार्टनरशिप में जाने की सोच रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर क्यों ना हो, मतलब अगर आप कैरियर के रिगार्ड किसी तरह की पार्टनरशिप में हैं या फिर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो डिसीजन आपका बहुत सही रहेगा, वो आपके फेवर में ही रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है।
अप्रैल मंथ में आप एकदम लीडरशिप वाली एनर्जीज में रहोगे, यानी कि जैसे कि काफ़ी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होगी, एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में भी रहोगे और बेहद सारा वर्क भी आपकी तरफ आ रहा है। कई सारी जिम्मेदारियां ना आपको इस मंथ में दी जा सकती हैं अपने कैरियर फील्ड में, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि थोड़ा सा आप ना जल्दी जल्दी में रहोगे, एज एन आपको ये लगेगा इतना सारा वर्कलोड है तो बहुत तो बिजी रहोगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा यार इतना वर्कलोड है, लेकिन आप उन्हें जल्दी जल्दी निपटा भी दोगे, एकदम एक्शंस लेने वाले मोड में आप इस मंथ में रहोगे, ठीक है। आपसे जलने वाले भाई बहुत हैं, पाइल नंबर टू, एज एन आपको बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं, उनकी तरफ से भी छोटे मोटे ना नुकसान आपको पहुंच सकते हैं, आप पे वो निगाहें रख सकते हैं, किसी तरह की चीटिंग करने की, गबन करने की कोशिश कर सकते हैं जो लोग आपसे जेलेसी फील करते हैं, जो आपसे छोटे लेवल पे हैं, ठीक है। या तो आपके इंटर्न हो या फिर प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको मिल गया, या बिजनेस में है तो आपने उनसे बाद में शुरू करा था लेकिन आगे आप बढ़ गए, तो आपसे ना इस मंथ में जेलेसी रखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो बेसिकली आपसे कम रह गए हैं, पीछे रह गए हैं या पीछे ही हैं, तो वो छोटा मोटा नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बी अलर्ट, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। गुस्सा आपको कम करना है, ठीक है, आपके गुस्से का यहाँ पर फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, लेकिन गुड थिंग इज़ कि ये जो भी लोग होंगे जो आपसे जेलसी फील करते होंगे, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आप इन पर एकदम हावी रहने वाले हो। वो अगर पेज की एनर्जी में हैं तो आप यहाँ पर किंग की एनर्जीज में रहोगे, ठीक है। ओवरऑल आपके ना कैरियर में जो और वैसे कलीग्स वगैरह हैं या बिजनेस में आपके अंडर में जो वर्क करते हैं वैसे सब सही चलेगा, लेकिन एक आज जो होते हैं ना जो जल कुकड़े टाइप के होते हैं वही यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कांड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे मेजर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर आप उन्हें खुद ही यहाँ पर पकड़ लोगे, ठीक है, उन पर खुद ही आप हावी हो जाओगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर टू की लव लाइफ कैसी जाने वाली है, क्या क्या घटित हो सकता है इस अप्रैल मंथ में, ठीक है, फॉर पाइल नंबर टू। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर टू कैसा जाने वाला है लव लाइफ इस अप्रैल मंथ में, फॉर पाइल नंबर टू। स्ट्रेंथ, क्या बात है भाई, गाइड कीजिए बताइए फॉर पाइल नंबर टू कैसा जाने वाला है ये अप्रैल मंथ इन लव लाइफ, गाइड कीजिए बताइए। तो मैजिशियन भाई, दोनों की में ही मैजिशियन आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है, ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर टू तो भैया फोड़ डालेंगे इस अप्रैल मंथ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जो मेरे पाइल नंबर टू के व्यूअर्स हैं ना भाई, देखो आप ना देने में बहुत बिलीव करते हो, मतलब आप ऐसे हो जो एकदम मदरली नेचर हो, दूसरे की परवाह ज़्यादा करते हो, और इसी के चक्कर में जो स्ट्रेस आता है, जिम्मेदारियाँ आती हैं वो आप ही के ऊपर आ जाती हैं, तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके मतलब लाइफ में चलता हुआ, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे आपने ना किसी के लिए बहुत करा है, एकदम बच्चे की तरह आपने लव लाइफ में किसी को बहुत प्यार करा है, लेकिन अल्टीमेटली उस पर्सन ने ना अपनी जिम्मेदारियों की वजह से आपको छोड़ा, या फिर आपके ऊपर एक बर्डन डालकर आपको डिच करा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि पाइल नंबर टू, पहली चीज़ तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, जो हो होने दो, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए प्यार, वो एटीट्यूड आपका इस अप्रैल मंथ में रहेगा, मतलब फुल टू चार्ज आप रहने वाले हो, फुल टू पावर में आप रहने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आपका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वहाँ पर है, इसीलिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहने वाले हो, एकदम फाइटर की तरह लड़ने भिड़ने को तैयार हो, किसी ने एक सुनाई तो आप 10 सुनाने वालों में से रहोगे, स्पेशली लव लाइफ में। अगर आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोल दिया भाई तेरी गलती मेरी गलती एंड ऑल, तो आप ना उसे दो जूते मारने वाली एनर्जी में रहोगे, ऑब्वियसली आप नहीं मारोगे, लेकिन आपका जो दिल ऐसा था ना एकदम मदरली नेचर वाला, वो झांसी की रानी वाला बनने वाला है, उस एटीट्यूड में आप रहोगे। हो सकता है भाई कैरियर में इतना अच्छा आपका जा रहा है तो उसका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो आपकी लव लाइफ पर ही चढ़े, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें आपकी रहेंगी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है देखो मुझे लव लाइफ में आपके मिरेकल ही होगा। हाँ ये चीज़ें हैं कि जो
मिरेकल होगा वो इस वे में मैं नहीं कह पा रही हूँ कि भाई देखो वो आ ही जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन उनके अंदर आपके इस एटीट्यूड की वजह से बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे जो इंसान कल तक आप पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो इंसान इस एनर्जी में रहेंगे, एकदम दब्बू बनकर रहेंगे। मतलब जो इंसान आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपको हर बात पर ब्लेम्स लगा रहे थे, आपकी गलतियां देख रहे थे, आपको स्ट्रेस देकर अपने आप को फ्री कर लेते थे, वो जादू यहाँ पर होने वाला है। वो सभी चीज़ें उनके पलड़े में जाने वाली हैं, बाजी आपके पलड़े में आएगी इस अप्रैल मंथ में। कुछ लोगों के केस में, मुझे बहुत मिनिमम लोगों के केस में पाइल नंबर टू के में देखो आपके पार्टनर की वापसी दिख रही है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा उन्हीं के पैर को यहाँ पर कांपेगा, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, कल तक जो ये पर्सन आपसे सवाल करते थे क्या है, कैसे है, क्यों करा, क्यों नहीं करा, मुझे ऐसा दिख रहा है अप्रैल मंथ में आप ही इनसे सवाल कर रहे हो भाई कैसे हो, क्या है, क्या नहीं है। और आपका ये एटीट्यूड कुछ लोगों के केस में मैंने बोला कि देखो विद दिस द लवर्स चांसेस है इन्हें वापस आपकी तरफ ले आए, और कुछ लोगों को हो सकता है आपका ये एटीट्यूड इन्हें डिप्रेशन की तरफ भी ले जाए कि हाय तौबा क्या करें, ये तो पूरी बदल गई या बदल गया तो झांसी की रानी महाराणा प्रताप हो गया, तो भाई उसी तरह से का होगा। डिपेंड करता है आपके पार्टनर इस गुस्से को, इस एटीट्यूड को आपके कितना टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन आप इसी एटीट्यूड में रहने वाले हो। पहले जितना आप ऐसे करते थे कि भैया मान लो, ले लो, ये वो, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो ये होगा बता आना है या नहीं आना है, उस एनर्जी में आप रहोगे। ठीक है, वही चीज़ें ना थोड़ा सा इनका डामाडोल कर देगी, मतलब जो स्ट्रांग होंगे वो हो सकते हैं वापस आ जाएं, जो वीक होंगे वो और वीक पड़ जाएं, तो ऐसे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। तो लव लाइफ में बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर टू, आप ना एकदम परेशान नहीं रहोगे अपनी लव लाइफ को सोच सोच कर कैसे होगा, क्या होगा। आपको ये लगेगा कि मेरा कैरियर अगर मस्त चल रहा है ना, अगर मैं कुछ ग्रोथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी मेरी जीत है, वो एटीट्यूड आपका रहेगा। कुछ लोगों की वापसी की मैंने आपको ऑलरेडी बताई, चलिए देखते हैं पाइल नंबर टू के लिए कि हेल्थ आपका कैसा जाएगा। तीन ही कार्ड्स मैं निकालूंगी हेल्थ को लेकर, यूनिवर्स गाइड की जो बताइए फॉर पाइल नंबर टू हेल्थ कैसा रहेगा इनका अप्रैल मंथ में, यूनिवर्स गाइड की जो बताइए हेल्थ कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर टू इन अप्रैल मंथ। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स, तो मैजिशियन, क्या बात है, सेकेंड टाइम आया है एम्परर। भाई देखो पाइल नंबर टू हेल्थ तो बड़ा मस्त जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रहोगे, एम्परर की एनर्जीज में रहोगे, थोड़ा बहुत हाँ चीज़ें पास्ट की परेशान कर जाएंगी मेंटली लेवल पर, लेकिन जो फिजिकली लेवल पर है ना वो चीज़ें एकदम सही जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि आप एकदम बैड पकड़ के बैठे हो, ऐसा नहीं दिख रहा है आप एकदम डिप्रेशन में बैठे हो। ओवरऑल हेल्थ आपका मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है इन अप्रैल मंथ, मतलब एकदम एकदम एम्परर की एनर्जी में, मतलब सब चंगा है जी, भले थोड़े बहुत चीज़ें हो रही हैं लेकिन चंगा है, मैनेज करने बराबर है, इतना तो मैं कर ही लूँगी या इतना मैनेज तो मैं कर ही लूँगा, वो एटीट्यूड रहेगा। देखो एटीट्यूड अगर आपका रहता है, अगर आप ना अपनी विल पावर को इस चीज़ को लेकर तैयार कर लेते हो, तो आप सब चीज़ें जीत लेते हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कैरियर हो। लेकिन अगर यही चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, डामाडोल होती रहती है ना, तो वहीं पर आप बाजी हार जाते हो। लेकिन पाइल नंबर टू इस एटीट्यूड में दिख रहे हैं कि बाढ़ में जाए, जो होना है होगा, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस को ज़ीरो नहीं करना है, वो यहाँ पर आपका एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही है आपकी तरफ इस अप्रैल मंथ में। दो ही कार्ड्स निकालेंगे, एक कार्ड और उसका बॉटम, गाइड कीजिए बताइए फॉर पाइल नंबर टू क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इनकी तरफ, यूनिवर्स गाइड कीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशंस एंड बॉटम की एनर्जी है, नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन आप तो यहाँ पर चिंतित भी मुझे नहीं नज़र आ रहे हो इतना कुछ, और जो भी चीज़ें उलझी हैं उनका पीसफुल रिजोल्यूशंस होगा, चांसेस यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कैरियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, ओवरऑल अगर चीज़ें उलझेंगी तो इसी मंथ में सुलझ भी जाएंगी, ऐसी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है अप्रैल मंथ में।
चलिए देखते हैं आपके कौन से ग्रह नक्षत्र इस वीक में, इस मंथ में स्ट्रांग रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे, कौन से पढ़ेंगे, किन पे वर्क करना है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2 गाइड कीजिए। सैटर्न भाई देखो जी, शनि देव आपके इस मंथ में ना आपके साथ रहेंगे, आपका जो स्ट्रक्चर जो ड्रामा डोल हो रहा था कहीं ना कहीं वही आपका साथ देंगे इस मंथ में। प्लूटो इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा ना पुनर्जन्म हो गया, मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और ही है। तो इस मंथ में आप एक नए सिरे से रिचार्ज होंगे, रिबर्थ होगा आपका, ऐसा यहाँ पर है। सजिटेरियस एक्सपेंड आप बहुत करोगे, कोई सजिटेरियस एनर्जी का है अगर आप में से कोई है तो वो, उसके तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड होने के। अदरवाइज़ अगर आपके बर्थ चार्ट में सजिटेरियस जहाँ पर है ना वो वाला हाउस आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, या कोई सजिटेरियस राशि का एनर्जी का पर्सन आपको इस मंथ में मदद कर सकता है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। हो सकता है जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो रही है वही आपका वहाँ पर रिजोल्यूशंस कराए। चलिए देखते हैं इस मंथ में कौन सी ईश्वरीय शक्ति आपका साथ देगी, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए किनकी आराधना आपको करनी है। हनुमान जी, तो भाई हनुमान चालीसा आपको इस मंथ में ज़रूर पढ़ना है, सुबह हो या शाम दोनों वक्त पढ़ें तो बल्ले बल्ले है। अगर आप एक वक्त पढ़ पा रहे हैं सुबह या शाम में से तो भी चलेगा, अगर मंदिर में बैठकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसकी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप हनुमान चालीसा सुन लीजिए, याद है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, हनुमान जी इस मंथ में आपको पावर देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, लड़ने की शक्ति देंगे, आपको कहीं ना कहीं वो एबिलिटी देंगे, कॉन्फिडेंस, जो आप इसीलिए इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हो पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे ना आपके साथ हनुमान जी हैं इस मंथ में आपकी हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली कोशिश कीजिएगा कि हर मंगलवार को, चार मंगलवार तो आते ही हैं, चार शनिवार आते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी को और शनिदेव को बूंदी ज़रूर से चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे रात के वक्त इवनिंग के टाइम पे एक सरसों के तेल का दिया ज़रूर से जला दीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे से उपाय करने होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, हो सके तो भाई एक माला 108 की माला जो है वो आप ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप कर लीजिएगा। जैसे सुबह को हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शाम को आपने ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आपने जाप कर लिया, और उसके अलग शाम के वक्त कोशिश कीजिएगा अप्रैल मंथ में सरसों के तेल का आप दिया ज़रूर से जला दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की जो शक्ति आपके साथ है वो और ज़्यादा इन्हेंस होती रहे और ज़्यादा आप स्ट्रांग रहें। देखिए आज की तारीख में जो दब रहा है ना उसका कोई काम नहीं है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इसी एनर्जी में आपको रहना है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ पाऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।